नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं जी मीडिया टुडे। मध्य प्रदेश के जबलपुर में मंगलवार को एक आयुध फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट में कम से कम 15 लोग घायल हो गए। यह विस्फोट खमरिया में मौजूद केंद्रीय सुरक्षा संस्थान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में हुआ, जहां बम और विस्फोटक बनाए जाते हैं। अधिकारियों ने बताया कि घायलों में कम से कम 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि 2 लोगों को गंभीर चोट आई है, इन्हें एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया गया है। साथ ही अधिकारियों की ओर से ये भी बताया जा रहा है कि एक कर्मचारी लापता है और वह मलबे के नीचे फंसा हो सकता है। इस मामले को लेकर कर्मचारी नेता शर्मा ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। पेचोरा बम का वाइल्ड आउट करते समय एक हादसा हुआ है। उसमें 2 भवन थे आसपास में, एक में मेंटेनेंस चल रहा था, जिसमें मेंटेनेंस के डबली के हमारे जो अलग मेंटेनेंस वाले जो लोग थे उनको गंभीर रूप से कोई चोट नहीं है, लेकिन जो 4 लोग वहाँ काम कर रहे थे उनको बड़ी गंभीर चोटें आई हैं। एक आदमी मिसिंग है अभी और 3 लोगों को यहाँ, तीनों लोग को श्यामलाल कोष्टा जी और हमारे रणवीर जी और चंदन जी को यहाँ पे भेज दिया है और एक जन का हम लोग अभी सर्च कर रहे हैं। ये जो हादसा किस तरह हुआ, किस वजह से हुआ? ये प्रोसेस सेफ्टी के पूरे रूल के हिसाब से प्रोसेस की जाती है। बॉइल्ड आउट किया जाता है बम को स्टीम के माध्यम से, उसके दौरान ये हादसा हुआ है। दमकल विभाग और एम्बुलेंस तुरंत मौके पर पहुंच गए हैं और राहत कार्य जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुल 15 घायलों में 2 लोगों की मौत हो गई। हालांकि फैक्ट्री प्रशासन ने अभी तक इस घटना में किसी की मौत की पुष्टि की नहीं की है। बम भरने की प्रक्रिया के दौरान फैक्ट्री के F6 सेक्शन की बिल्डिंग 200 में हाइड्रोलिक सिस्टम में खराबी आ गई। धमाका इतना शक्तिशाली था कि इसकी आवाज 5 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। आसपास रहने वाले लोगों ने बताया कि धमाके की वजह से इलाके में भूकंप आ गया। विस्फोट के तीव्र प्रभाव के कारण इमारत का एक हिस्सा भी ढह गया है, जिससे कई मजदूर घायल हो गए। घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और जांच पूरी होने के बाद ही विस्फोट के पीछे की असली जो वजह है वो पता चल पाएगी। सीनियर अधिकारी घटना स्थल पर पहुंच गए हैं, लेकिन फैक्ट्री की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। हालांकि इस मामले को लेकर अनिल गुप्ता ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। देखिए, बॉयल आउट करते समय हमारे यहाँ पे F6 बिल्डिंग में विस्फोट हो गया। जो 200 नंबर बिल्डिंग भवन क्रमांक था वहाँ पे विस्फोट हो गया और उसमें हमारे 4 आदमी थे, जिसमें 2 आदमी इंजर्ड ज्यादा हुए हैं, जिनको महाकौशल में हम लोग लेके आए हुए हैं। देखिए, बारूद तो बारूद होता है ना, उसमें सारे सेफ्टी नॉर्म्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो करते हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है कि उसके गुणधर्म को समझ पाना कठिन होता है, क्योंकि केमिकल है। अभी आगे जानकारी, आगे जब उस पर शोध होगा तो उसमें निकल के आएगा कि समस्या क्या हुई थी। फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार की देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जी मीडिया टुडे।